नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पद्मश्री के लिए चयनित उत्तराखंड की बसंती देवी का किया उत्साहवर्धन। 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड टीका लगने पर भी जताई खुशी। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में 10 फरवरी को 7 मार्च तक मतदान पश्चात सर्वेक्षणों पर लगाई रोक। प्रदेश के 70 विधानसभा सीटों पर स्क्रूटनी में सही पाए गए 727 नामांकन, 23 पर्चे रद्द। विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान ने पकड़ा जोर। देहरादून में भाजपा ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। कांग्रेस को उम्मीद, नाम वापसी से पहले मान जाएंगे उसके सभी बागी। और 74वीं पुण्यतिथि पर आज राष्ट्र ने किया महात्मा गांधी को याद। राष्ट्रपिता रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में आज एक बार फिर उत्तराखंड को प्रमुखता से स्थान मिला। इस बार उन्होंने हाल ही में पद्मश्री के लिए चयनित कुमाऊं निवासी बसंती देवी का उत्साहवर्धन किया। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेताओं में से कई ऐसे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते थे। बसंती देवी का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नदी और पर्यावरण के संरक्षण में उन्होंने असाधारण योगदान दिया है। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 जनवरी बापू की शिक्षाओं की याद दिलाती है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी से होगी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इसका समापन होगा। श्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा स्थापित करने और राष्ट्रीय समर स्मारक का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में भारत अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर रहा है। आज हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दिवस भी मनाया। दिल्ली में राजपथ पर हमने देश के शौर्य और सामर्थ्य की जो झांकी देखी उसने सबको गर्व और उत्साह से भर दिया है। एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती से शुरू होगा और 30 जनवरी तक यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस बात का जिस प्रकार से देश ने स्वागत किया, देश के हर कोने से आनंद की जो लहर उठी, हर देशवासी ने जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की, उसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश इन प्रयासों के जरिए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित कर रहा है। हमने देखा कि इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी सफलता के साथ कोविड महामारी की नई लहर के साथ निपट रहा है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। यही नहीं, 20 दिन में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में कमी आना सकारात्मक संकेत है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात यह भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं, ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक मतदान पश्चात सर्वेक्षण के आयोजन और उसके नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि ये रोक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पहले तक किसी चुनाव या मतदान सर्वेक्षण सहित किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। प्रदेश में सभी 70 विधानसभा सीटों पर स्क्रूटनी के बाद 727 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। राज्य में कुल 750 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे थे। जांच में इनमें से 23 नामांकन पत्र त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिए गए। देहरादून, कैंट और लक्सर में 3-3, कपकोट में 2, देवप्रयाग, रानीपुर, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, डीडीहाट, बागेश्वर, सल्ट, लोहाघाट, जसपुर, गदरपुर, रुद्रपुर व सितारगंज में 1-1 पर्चे रद्द हुए हैं। वहीं देहरादून जिले की कैंट विधानसभा सीट पर 3 नामांकन रद्द होने के बाद अब जिले की विभिन्न सीटों पर कुल 141 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 144 दावेदारों ने यहां पर्चे भरे थे। चकराता विधानसभा सीट पर 10, विकासनगर में 11, सहजपुर में 15, धर्मपुर में 20, रायपुर में 18, राजपुर में 12, देहरादून कैंट में 14, मसूरी में 8, डोईवाला में 19 और ऋषिकेश विधानसभा सीट पर 14 पर्चे सही पाए गए। इस बीच आज देहरादून कलेक्ट्रेट में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों दिलीप कुमार, नवनीत मनोहर, एम सुधा देवी, आलोक पांडे, जयवीर सिंह आर्य, रेणु दुग्गल, किरण बी जावेरी व सौम्या संबिवसन की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आयोग की सामान्य प्रेक्षक सिंधी थॉमस वेदियान ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और राजेश कुमार ने चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी प्रेक्षकों को दी। के बाद लगभग 141 हमारे कैंडिडेट्स हैं और आज जो है मीटिंग हुई है सभी मान्य प्रेक्षकगण, सामान्य प्रेक्षकगण, व्यय प्रेक्षकगण और जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और उनका इंट्रैक्शन भी हुआ है सभी आरओस के साथ और सभी नोडल्स के साथ। और 31 हमारा लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल है, उसके बाद स्वीप। और देखिए स्वीप के तहत हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कि देहरादून स्मार्ट सिटी भी है तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो वेरिएबल डिस्प्ले बोर्ड्स हैं
मूविंग डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, वहाँ पे हमने मैसेजेस हमने प्रदर्शित किए हैं और हर वर्ग को हमने कैटर किया है, चाहे वो महिला हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, दिव्यांग हैं, 80+ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उन सबको हमने कैटर किया है। जिला प्रशासन जो है बिल्कुल गियर्ड अप है, हालांकि कोविड के दृष्टिगत सेफ सिक्योर इलेक्शंस करवाना एक चैलेंज है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्र ने आज शहीद दिवस पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में भी तेजी आने लगी है। आज देहरादून में भाजपा की ओर से चुनावी थीम सॉन्ग और बैनर जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री व पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की मौजूदगी में ये लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर श्री बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और ये चुनावी थीम सॉन्ग में भी परिलक्षित होता है। ये चुनाव का समय है और ये गीत पूरा हुआ है और ये जारी हुआ है, लेकिन इस गीत में जो मोदी जी के भाव हैं और जो आप सब लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है कि चुनाव के कारण हम लोगों ने इसको कोई जारी किया हो। मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष तौर पे जिस प्रकार का लगाव है, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका उत्तराखंड से कोई ज्यादा लगाव हुआ। मुख्यमंत्री जब वो थे तब भी उत्तराखंड आते थे। ये मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से भी पहले उनका उत्तराखंड के साथ लगाव था, और ये जो गीत है ये उत्तराखंड के प्रति उनका जो लगाव है, उत्तराखंड के प्रति जो उनके भाव हैं, उसको प्रदर्शित करता हुआ एक गीत है। और ये आज हमने यहाँ आप लोगों के सामने एक लॉन्च किया है, और इस गीत को जिस प्रकार की उसकी धुनें हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड के लोग इस गीत को भी देखेंगे और उत्तराखंड के प्रति जो उनका लगाव है उसको भी देखेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार करेगी जिसमें उन्होंने तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक कहा है। भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े चुनाव के हिसाब से अच्छी परिणाम के साथ हम निकल के आएंगे और धामी जी के नेतृत्व में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आशीर्वाद से एक मजबूत सरकार हम रचेंगे और आगे आने वाले 5 वर्ष में मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोला है द थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, तीसरी दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, वो हम साकार करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब राष्ट्रीय दलों का जोर अपने बागियों को मनाने पर है। दलों की कोशिश ये है कि नाम वापसी का समय बीतने से पहले उनके बागी पर्चा वापस ले लें। अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में बागियों को मनाने की कोशिशों में स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े नेता तक जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं को पूरी उम्मीद है कि नाम वापसी का समय बीतने से पहले उनकी पार्टी के वे सभी बागी मान जाएंगे जिन्होंने नामांकन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट के प्रभारी हैं, उत्तराखंड स्टेट के जो सह प्रभारी हैं, और भी जो केंद्र के नेता हैं, स्टेट के बड़े लीडर्स हैं, वो सब उनसे बात कर रहे हैं और कई जगह सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। लोग जो कांग्रेस की नीति नियत और नेतृत्व में विश्वास करके अपने पर्चे वापस भी ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता जो
टिकट नहीं मिलने से थोड़े से खफा है, वो हमारी बात को सुनेंगे और पर्चा नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व नाम वापस लेके कांग्रेस की नीति और नियत को और नेतृत्व को अपने क्षेत्र में मजबूत करें। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 62 लाख से अधिक टीके लगाई गई। देश में इस समय 18 लाख 84 हजार से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 2 लाख 34 हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए जबकि 3 लाख 52 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.21% है। देश में 75% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा कि लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए उधमसिंह नगर जिले में भी प्रशासन की ओर से स्वीप के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सरदार भगत सिंह महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों ने गदरपुर रोड स्थित कॉलोनियों में घर घर जाकर मतदाताओं से 14 फरवरी को मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। मतदाताओं का कहना था कि एनसीसी छात्रों के माध्यम से की गई पहल अच्छी है और इससे कई जानकारी भी मिल रही है। वहीं युवाओं का कहना है कि अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। अभी जो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं जो उन्होंने प्रयास किया हुआ है जो कि हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। लोगों को जिनको मालूम नहीं है कि हमारा हम कैसे अपने जो हमारा आधार कार्ड ये निर्वाचन का जो कार्ड है हमारा उसको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और कैसे हम दूसरी जगह पे जाए अगर शिफ्ट हुए हैं तो कैसे हम वोट दे सकते हैं, इसकी जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक है जिसको सबको बेनिफिट होगा। सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज से जो ये प्रयास किया जा रहा है बच्चों के द्वारा एनसीसी कैडेटों द्वारा मतदान जागरूकता का, ये एक बहुत अच्छा कदम है और हमें मतदान करना चाहिए, हमारा अधिकार है। पहली बात तो जो ये कॉलेज के बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं लोगों को सब मतलब मोटिवेट करने के लिए वोट करने के लिए वो बहुत ही अच्छा है और ये करना चाहिए क्योंकि हम यूथ हैं आजकल की और अगर हमें ये सब स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। दूसरी जहाँ तक बात रही वोट करने की तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हमें लोग हम यूथ हैं हम जानते हैं हमें फ्यूचर कैसा चाहिए, अगर हम ही अपने सब मतलब जो हमें चाहिए उसको वोट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाएगा। सरदार भगत सिंह महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों का कहना है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन दस्तक के तहत वे घर घर जा रहे हैं, लोगों को पोस्टर बैलेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने समेत विभिन्न जानकारी दी जा रही है। हमने यहाँ पे लोगों में जा जाके ये अवेयरनेस फैलाई है कि आपको अपना वोट कास्ट जरूर करना है। हमने मोस्टली सीनियर सिटीजन जो वोटर्स हैं उनको अवेयर किया है, साथ के साथ साथ हमने पोस्टल वोटिंग का महत्व बताया है लोगों में कि पोस्टल वोटिंग का क्या महत्व है। इसी के साथ साथ कई लोगों में के ये सवाल थे हमसे कि उनके BLOs के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, तो हमने उसका भी उन्हें एक सोल्यूशन बताया है कि आप 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने क्षेत्र के अपने जो भी इलाके के BLO के बारे में पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई लोगों के ये हमें क्वेश्चन थे कि हम लोग बाहर क्षेत्र से आए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमने उन्हें सुझाव बताया कि आप यहाँ से भी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ से आप कैंसिल करा के यहाँ से बना सकते हैं ताकि आप यहाँ से वोट कास्ट कर सकें। 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं यानी एब्सेंटी वोटर्स का पोलिंग पार्टियां 2 फरवरी से 6 फरवरी तक घर घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान कराएंगी। बागेश्वर डिग्री कॉलेज सभागार में आज मतदान कर्मियों को इससे संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम मतदान प्रशिक्षण में 350 अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। जिले में कुल 1257 अब्सेंटी वोटर पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इनमें कपकोट विधानसभा क्षेत्र में 443 और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 814 अब्सेंटी वोटर हैं। इनके मतदान के लिए 40 पोलिंग पार्टियों को जिम्मा सौंपा गया है। बागेश्वर के जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि पोलिंग पार्टियां पहले स्थानीय BLO से एब्सेंटी वोटर्स का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएंगी। उन्होंने कहा कि पूरी पोलिंग पार्टी एक साथ जाएंगी और एक साथ प्रवास करेंगी, किसी का भी आतिथ्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, साथ ही मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।
राज्य में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से यातायात निदेशालय ट्रैफिक वॉलंटियर योजना शुरू कर रहा है। यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि राज्य में आम लोगों की भागीदारी यातायात प्रबंधन और हादसे रोकने में बढ़ाई जा रही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर ट्रैफिक जंक्शन पर यातायात संचालन, जागरूकता, घायलों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने, नो पार्किंग में खड़ी वाहनों के चालान कराने, पार्किंग स्थल चिन्हित करने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए कोई भी व्यक्ति यातायात निदेशालय की वेबसाइट पर फॉर्म भरकर सबमिट कर सकता है। इसके अलावा फॉर्म डाक के जरिए भी यातायात निदेशालय देहरादून को भेजे जा सकते हैं। हर माह सबसे अच्छे ट्रैफिक वॉलंटियर को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।